हुआ है, रोजगार को लेकर क्या? रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। मोदी जी तो बांटने का काम कर रहे हैं, योगी जी भी बांटने का काम कर रहे हैं, कटोंगे का काम, कटोंगे तो बटोंगे ऐसा नारा दे रहे हैं। मैडम बेरोजगारी ना चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है मैडम। नौजवान लोग अशिक्षित घूम रहे हैं और मैडम जो शिक्षित हैं मैडम पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैडम नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठियां भांजी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 सीटों में से एक है गाजियाबाद सदर सीट। और आज इसी विधानसभा क्षेत्र में यूपी तक की टीम मौजूद है और यहाँ का ये जो क्षेत्र है जहाँ हम मौजूद हैं ये है कैलाभट्टा क्षेत्र इस विधानसभा सीट का। तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है और इस सीट पर अगर हम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में, यानी कि यहाँ पर दलितों के बाद यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स भी एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं कैंडिडेट को जीतने में। तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है आखिरकार वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या कुछ है, साथ ही साथ उनके मुद्दे क्या कुछ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे के करके। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहिल है। रोहिल आप इस क्षेत्र के निवासी हैं तो आपके मतलब अगर क्षेत्र की हम बात करें तो किस तरह की यहाँ की प्रॉब्लम्स रहती हैं या मुद्दे यहाँ के क्या ऐसे रहते हैं जिस पर आप वोट करते हैं, मतलब विकास के नाम पर करते हैं या फिर पार्टी देखकर या कैंडिडेट को देखकर? वैसे तो हम लोग प्रत्याशी देखकर वोट करते हैं। लगभग 50 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, यहाँ पे सांसद हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं। लगातार लाइन पार क्षेत्र में कैलाभट्टा क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, गंदा पानी आता है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है इतनी बड़ी आबादी में। नौजवानों के लिए बहन बेटी शहर में पढ़ने जाती हैं, एक जाम की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, कंडीशन एरिया है। युवा है, रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। मोदी जी तो बांटने का काम कर रहे हैं, योगी जी भी बांटने का काम कर रहे हैं, कटोंगे का काम, कटोंगे तो बटोंगे ऐसा नारा दे रहे हैं। और उन्होंने डिप्टी सी एम हम तेजपाल के पत्ता कह रहे हैं, मुरादाबाद जैसे इलाके में हम तेजपाल के पत्ते नहीं हैं, हम लोग ना के देश के नागरिक हैं, हमारे देश में आज़ादी के लिए बड़ी भूमिका दी है हमारे बड़ों ने। आप बताइए आप भी यहीं के निवासी हैं, थोड़ा सा क्या मतलब आपका जो वोट रहता है किन मुद्दों को देखकर आप करते हैं? मैडम सीधी सी बात है मैडम, अब उपचुनाव है तो मैडम हमारा जो मुद्दा रहेगा बिजली पानी और मैडम सुरक्षा स्वास्थ्य, मैडम स्वास्थ्य के ऊपर सबसे पहले बात की जाएगी। मैडम अभी कल आपने देखा था झांसी में कितनी बड़ी घटना हुई है मैडम, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं मैडम, जहां पर 18 बेड की जगह थी वहां पर 49 बच्चे थे जिसमें से अनेकों बच्चों ने दम तोड़ दिया मैडम, लोगों के परिवार का जो चिराग था मैडम वो बुझ गया। मगर मैडम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश की, उनकी मैडम मुख्यमंत्री जी का मैडम रोड शो नहीं रुका, घर का चिराग बुझ गया गरीब यतीम मजदूर बेसहारा लोगों का। मैडम इन्हें सिर्फ और सिर्फ सियासत की एक गद्दी चाहिए जिस पे इन्हें राज करना है, इनको कोई मतलब नहीं है शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है और मैडम पढ़ाई लिखाई, इनसे कोई मतलब नहीं। मैडम बेरोजगारी ना चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है मैडम। नौजवान लोग अशिक्षित घूम रहे हैं और मैडम जो शिक्षित हैं मैडम पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मैडम नौकरी मांगते हैं तो उनको लाठियां भांजी जाती हैं। आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा किस तरीके से खुलेआम शिक्षित नौजवानों पर लाठियां भांजी गई, जो मैडम देश का भविष्य है, आने वाले वर्तमान में वो कुछ बनकर देश का नाम रोशन कर सकते थे, उनको इतना अपमानित किया गया बस पूछो मत मैडम। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है, जनता इसको वोट नहीं करना चाहती है। यहाँ पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, आप थोड़ा सा बताइए यहाँ पर दो बार से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते आ रहे हैं, आपको लगता है कि पिछले 10 साल में विकास हुआ है यहाँ पर? देखिए मैम विकास का तो कुछ ऐसा है कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ पे थोड़ी अब सुधार करने पे पार्टी लगी हुई है, सभी में थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है। जैसे कि अब स्कूल देखेंगे यहाँ पे हमारे डिग्री कॉलेज हैं पास में, 3-3 डिग्री कॉलेज हैं, उनमें अच्छे से पढ़ाई भी चल रही है। लेकिन ये अपनी अपनी समझ है कि किसको पार्टी लोग बाग किसको वोट देंगे और किसको नहीं, जिसको जैसे होता है ना कि मैंने इनके लिए अच्छा काम कर दिया चाहे मैं किसी भी पार्टी से हूँ तो आप ये मुझे वोट देंगे, लेकिन ऐसा होता है कि जो भी मतलब काम करेगा
वोट उसी को जानी चाहिए। ये डोंट मैटर कि वो भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से है या फिर किसी भी अन्य पार्टी से है। तो हमारा तो यही कहना होगा कि जो काम करेगा उसको वोट जानी चाहिए, जो काम करेगा उसको वोट यहाँ पर जाएगा। आप प्रत्याशियों की हम बात करें, जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं सिंगराज जाटव है, जैसे हालांकि आपने कहा है कि आप जो है बीजेपी से उब चुके हैं, तो यहाँ पर प्रत्याशियों को लेकर क्या कहेंगे? मतलब जो यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं आपके, तो उनको मतलब एज अ प्रत्याशी आप उन्हें कैसा देखते हैं, कैसे हैं? मैडम देखिए, हम पिछले 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखते आ रहे हैं। मैडम विधायक भी अधिकतर गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी का रहता है, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का रहता है, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का रहता है और अधिकतर पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। मैडम हम एक ज़माने से देखते आ रहे हैं यहाँ पे विकास कुछ नहीं है, विकास के नाम पे जीरो है। मैडम बिजली यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है। मैडम फिर किस मुद्दे के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकते हैं? रही बात मैडम इंडिया गठबंधन की, तो मैडम इंडिया गठबंधन ने एक अपना अलायंस बनाया ताकि गरीब मजदूर यतीम बेसहारा लोग वोट दें और उसे कामयाब बनाएं, और उनके मुद्दे को इंडिया गठबंधन आगे लेकर चलेगा ताकि नौजवान जो हैं वो बेहतर शिक्षा कर सकें, बेहतर नौकरियां प्राप्त कर सकें। इसीलिए मैडम ये सिंगराज जाटव जी मैदान में हैं, सर्व समाज की बेहतराई के लिए मैदान में हैं। तो मैडम हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिंगराज जाटव को ही बेस्ट विकल्प मानते हैं। अच्छा, ए टू जेड मोमदन का फुल सपोर्ट, केला भट्टा गाजियाबाद, पूरा केला भट्टा इस्लाम नगर, हिंडन बिहार, विजयनगर, सब प्रत्याशी। क्या कारण है, मतलब क्यों, मतलब इनको, क्योंकि अच्छा अखिलेश भैया के नाम, अखिलेश भैया आ जाओ। तो देखिए आप बताइए चाचा, आप यहीं के निवासी हैं? नहीं बेटा, मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा, यहाँ के वोटर नहीं है? नहीं, वोटर तो अपने ना का हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चुनाव को लेकर बात करें। तो देखिए यहाँ पर ये जो है उपचुनाव को लेकर हमने बातचीत की है, केला भट्टा क्षेत्र के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर यही कहना है कि यहाँ पर बांटने का काम जो है सरकार कर रही है, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, लेकिन यहाँ पर इस बार ये है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी ने कोई विकास कार्य नहीं किए, तो इसीलिए इस बार जो है इनका जो वोट है वो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिंगराज जाटव को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी तक के लिए केला भट्टा से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।